हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट 150-160 सीसी बाइक्स के बारे में, जो अपनी सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी बाइक्स हैं। सो अगर आपको इन सभी बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, टॉप 5 बेस्ट 150-160 सीसी बाइक्स की लिस्ट में स्टार्ट करते हैं नंबर 5th से। सो 5th नंबर पे है TVS Apache RTR 164V। दोस्तों, RTR 164V वन ऑफ द बेस्ट 160 सीसी नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है, और इस बाइक का BS6 वेरिएंट 2019 में ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के एक्सशोरूम प्राइस के बारे में। RTR 164V में डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है 1,06,000, और डम ब्रेक वाले वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है 1,03,000। डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 1,21,000। दोस्तों, स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो RTR 164V के अंदर 159.7 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड स्टैंडर्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 16.02 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.12 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर न्यूली डिजाइंड फुल LED हेडलाइट है और रियर में LED टेल लाइट है। साथ में इस बाइक के अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। सो दोस्तों, अपनी सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, और फीचर्स भी इस बाइक के अंदर अभी काफी अच्छे हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर फुल LED हेडलाइट आ गई है और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है। सो इन सभी चीजों की वजह से RTR 164V वन ऑफ द बेस्ट 160 सीसी मशीन है, जो आप 1,20,000 के आसपास परचेज कर सकते हो। दोस्तों, फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। RTR 164V डबल क्रेडल स्प्लिट फ्रेम पे बेस्ड है, और इस बाइक के अंदर 270mm की फ्रंट डिस्क है और 200mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। इस बाइक की ऑफिशियल टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर, और इस बाइक के अंदर आपको 45-50 KMPL की माइलेज इजिली मिल जाएगी। 164V के अंदर डबल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम भी है, जिसका एग्जॉस्ट नोट काफी अच्छा है, और इस बाइक के BS6 वेरिएंट के अंदर न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम भी है। दोस्तों, डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक की सीट हाइट है 800mm की, और ग्राउंड क्लीयरेंस है 180mm, वेट है 149kg, और फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। सो दोस्तों, ये थी 5th नंबर पे TVS Apache RTR 164V। अब हम बात करते हैं 4th बाइक के बारे में। दोस्तों, 4th नंबर पे है सुजुकी जिक्सर। जिक्सर भी एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है, जो अपनी सेगमेंट के अंदर एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, सुजुकी जिक्सर का सबसे बेस्ट पॉइंट है इस बाइक की इंजन रिफाइनमेंट, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से ये बाइक अपनी सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी स्टैंड करती है। सुजुकी ने जिक्सर के BS6 वेरिएंट को भी रिसेंटली ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया है। इस बाइक के BS6 वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है 1,12,000, लेकिन आप BS4 वेरिएंट को भी परचेज कर सकते हो, जिसका एक्सशोरूम प्राइस है 1,00,000। BS4 वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 1,21,000, और BS6 वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 1,30,000। दोस्तों, स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो जिक्सर के अंदर 155 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड स्टैंडर्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 13.6 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.8 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर फ्लैट फुल LED हेडलाइट है, और रियर में स्मॉल LED टेल लाइट है, और साथ में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल है। जिक्सर की ऑफिशियल टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर, और इस बाइक में आपको 45-50 KMPL की माइलेज इजिली मिल जाएगी। दोस्तों, फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर भी कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। साथ में इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो सुजुकी जिक्सर की सीट हाइट है 795mm, इस बाइक का वेट है 140kg, और ग्राउंड क्लीयरेंस है 160mm का। सो दोस्तों, ये थी 4th नंबर पे सुजुकी जिक्सर, जो एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है, और अपनी सेगमेंट के अंदर ये बाइक भी सबसे बेस्ट है। अब हम बात करते हैं 3rd बाइक के बारे में। दोस्तों, 3rd नंबर पे है यामाहा की MT-15। यामाहा ने MT-15 के BS6 वेरिएंट को रिसेंटली ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च किया है। R15 V3 के जैसे ही ये बाइक भी एक प्रीमियम कंपोनेंट्स वाली मशीन है, जो अपनी सेगमेंट के अंदर मोस्ट पावरफुल और बेस्ट लुकिंग मशीन है। दोस्तों, इस बाइक की BS6 वेरिएंट के अंदर एक न्यू कलर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसका नाम है आइस फ्लियो। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो MT-15 के BS6 वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस है 1,39,000, MT-15 आइस फ्लियो का एक्सशोरूम प्राइस है 1,39,400। दोस्तों, स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो MT-15 के अंदर 155.1 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड स्टैंडर्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 18.5 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14 न्यूटन मीटर का विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर वेरिएबल बल्ब एक्चुएशन है, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है,
जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इन सभी प्रीमियम कंपोनेंट्स की वजह से ये बाइक अपनी सेगमेंट के अंदर मोस्ट पावरफुल मशीन है। पावरफुल होने के साथ साथ इस बाइक के लुक्स भी काफी अच्छे हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो MT15 के अंदर फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है विद LED लाइट्स और रियर में LED टेल लाइट है। साथ में इस बाइक के अंदर नेगेटिव डिस्प्ले वाला LCD फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। दोस्तों MT15 की ऑफिशियल टॉप स्पीड है 140 km/h और इस बाइक में भी आपको 45 KMPL की माइलेज इजिली मिल जाएगी। फीचर्स की अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर भी कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 282mm की फ्रंट डिस्क है और 230mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। R15 V3 के जैसे ही MT15 भी डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बेस्ड है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो इस बाइक की सीट हाइट है 810mm, वेट है 138kg और फ्यूल कैपेसिटी है 10 लीटर्स की। सो दोस्तों ये थी थर्ड नंबर पे यमहा की MT15 जो 150cc नेकेड सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट बाइक है। अब हम बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। दोस्तों सेकंड बाइक है सुजुकी जिक्सर SF। जिक्सर SF एक फुली फेयर बाइक है जिसके ओवरऑल लुक्स डिजाइन स्टाइल काफी अच्छा है और नेकेड जिक्सर के जैसे ही ये बाइक भी अपनी सेगमेंट के अंदर एक काफी अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। सुजुकी ने जिक्सर SF के भी BS6 वेरिएंट को इंडियन टूलर मार्केट के अंदर रिसेंटली ही लॉन्च किया है जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,22,000 और इस बाइक के अंदर आप BS4 वेरिएंट को भी अभी परचेज कर सकते हो जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,10,000। दोस्तों स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 155cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड स्टैंडर्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 13.6 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.8 Nm का विद 5-स्पीड ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो जिक्सर SF के अंदर ट्रिपल LED हेडलाइट है, स्मॉल LED टेल लाइट है और साथ में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। इस बाइक के बॉडी ग्राफिक्स और कलर पैटर्न भी काफी अच्छे हैं। दोस्तों इस बाइक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर काफी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है क्योंकि इस बाइक के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर नहीं है। फीचर्स की अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर वही सेम कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। दोस्तों डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी है 12 लीटर्स की, सीट हाइट है 795mm, वेट है 146kg। सो दोस्तों ये थी सेकंड नंबर पे सुजुकी जिक्सर SF जो एक फुली फेयर स्पोर्ट्स बाइक है और अपनी सेगमेंट के अंदर ये बाइक भी एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नंबर वन बाइक के बारे में। तो नंबर वन पे है यमहा की R15 V3। दोस्तों यमहा की R15 V3 अपनी सेगमेंट के अंदर हमेशा से ही नंबर वन बाइक रही है क्योंकि अभी तक इंडियन टूलर मार्केट में कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो यमहा R15 V3 को टक्कर दे सके। अभी तक इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो R15 V3 को लुक्स और परफॉर्मेंस के मामले में बीट कर सके। सो इसीलिए दोस्तों यमहा की R15 V3 एक कंप्लीट पैकेज है। R15 V3 के BS6 वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,46,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,73,000। स्पेक्स के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 155.1cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड स्टैंडर्ड फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 18.6 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.1 Nm का विद 6-स्पीड ट्रांसमिशन। साथ में इस बाइक के अंदर वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट है। दोस्तों R15 V3 की ऑफिशियल टॉप स्पीड है 150 km/h और इस बाइक के अंदर आपको 45 KMPL की माइलेज इजीली मिल जाएगी। दोस्तों 155cc सेगमेंट के अंदर इंडियन टूलर मार्केट में MT15 और R15 V3 दो ही ऐसी बाइक है जिनके अंदर लिक्विड कूलिंग और 6-स्पीड गियर बॉक्स है। इनके अलावा और कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जिसके अंदर ये दोनों फीचर्स हों। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो R15 V3 के अंदर ट्विन LED हेडलाइट है, LED टेल लाइट है और नेगेटिव डिस्प्ले वाला फुली डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। R15 V3 डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बेस्ड है और इस बाइक के अंदर भी कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो R15 V3 में 282mm की फ्रंट डिस्क है और 230mm की रियर डिस्क है विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। दोस्तों डायमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो R15 V3 की फ्यूल कैपेसिटी है 10.5 लीटर्स की, इस बाइक की सीट हाइट है 815mm और वेट है 142kg का। सो दोस्तों ये थी नंबर वन पे यमहा की R15 V3 जो अपनी सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट बाइक है क्योंकि अभी तक इंडियन टूलर मार्केट में ऐसी कोई भी बाइक नहीं है जो R15 V3 को किसी भी एंगल से टक्कर दे सके। सो दोस्तों ये थी टॉप 5 बेस्ट 150-160cc सेगमेंट की बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट है और इन सभी बाइक्स को आप 1,70,000 के आसपास परचेज कर सकते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।